अभी हम कहाँ पर खड़े हैं? सर ये हमारे पीछे जो है टिकरी कला का मेट्रो स्टेशन है। ओके जी। तो सर हमारे इस प्लॉट से इस मेट्रो स्टेशन और रोहतक रोड जो है कितने डिस्टेंस पे पड़ेगा? सर अगर आप यहाँ से गूगल मैप से देखेंगे तो आपको यहाँ से प्लॉट का डिस्टेंस जो हमारा साइड है वो पड़ेगा आपको 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस नेट। ओके, मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे? जी जी जी, मात्र। तो साथियों बहुत ही प्राइम लोकेशन पे प्लॉट लेके आ गए हैं। वहाँ पर क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें अपने प्लॉट पर जाकर अपने ज्ञान सर से हम पूछेंगे। नमस्कार, मैं शैलेश प्रताप एक और आपके लिए बहुत ही प्राइम लोकेशन पे प्लॉट लेके आ गया हूँ। और ये प्लॉट किस लोकेशन में लोकेटेड है पहले मैं आपको बता दूँ। ये जो प्लॉट है हमारा दिल्ली में, दिल्ली के किस लोकेशन में है एग्जैक्टली, क्या इसका लोकेशन पड़ता है, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले हम इस प्लॉट के ऑनर से बात करते हैं, मिस्टर ज्ञान सिंह जी से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर कैसे हैं जी? बिल्कुल बढ़िया सर। सर ये साइड तो आप बहुत ही जेन्युइन लेके आ गए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये रोड से लगा हुआ है जी। तो ये रोड कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है? सर ये टिकरी कला मेट्रो स्टेशन से आ रहा है और ये सीधा नजफगढ़ को जा रहा है। ओके जी। और इसी से लगता हुआ हमारा ये साइड है जी। जी बिल्कुल। सर ये जो हम रोड देख रहे हैं कितने फीट का रोड है ये? सर ये 22.5 फीट का रास्ता है ये वाला। अच्छा जी, 22.5 फीट का रोड है। हाँ, इसके बाद 2.5 फीट का रास्ता गली में यहाँ पे नाली के लिए, 2.5 फीट रोड की उस तरफ नाली। अच्छा अच्छा, मतलब नाली के लिए अलग से व्यवस्था कर रखे हैं। हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं है कि इसी में फिर 22 फीट में कम हो के फिर ये 15 फीट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी जी जी, हमेशा ये 22 फीट का 22 फीट बना रहेगा। हाँ हाँ जी। ओके ओके ठीक है जी। जैसा कि हम देख रहे हैं पूरी बसावट है, बसावट में आपके लिए आज ज्ञान सर ने प्लॉट लेके आ गए हैं जी। जी तो सर हम ये बात करेंगे कि आसपास में कोई मेट्रो स्टेशन है क्या? सर यहाँ पर टिकरी कला मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर आपको यहाँ पर टिकरी बॉर्डर का मेट्रो स्टेशन जो है ओके। देख सकते हैं कितने प्राइम लोकेशन पे पूरी बसावट है, बसावट में ये प्लॉट है। तो सर सबसे पहले हम बात करें कि ये प्रॉपर किस लोकेशन में, दिल्ली के किस लोकेशन में ये प्लॉट हमारा पड़ता है? सर ये है टिकरी कला एक्सटेंशन दिल्ली 41। ओके जी। तो सर जैसे कि कोई भी क्लाइंट होते हैं उनका ये कहना होता है कि अगर ये दिल्ली में है तो क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट से लिस्टेड कॉलोनी में है ये? जी, जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट की लिस्टेड 1554 नंबर की एक कॉलोनी है। अच्छा, जो गवर्नमेंट के मतलब लिस्टेड में है। अच्छा, मतलब कि ये जो कॉलोनी है दिल्ली गवर्नमेंट के लिस्ट में है और ये 1554 नंबर की कॉलोनी है जिसका पूरा नाम आप बता रहे हैं टिकरी कला एक्सटेंशन कबीर पार्क। हाँ, कबीर पार्क धाम। ओके, मतलब कि बहुत ही प्राइम लोकेशन, देख सकते हैं काफ़ी लोग मकान लेकर परचेज करके अपना बना रहे हैं, काफ़ी लोग रहने भी लग गए हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी मकान बन गए हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों आप कई जगह प्लॉट देखने गए होंगे दिल्ली में, दिल्ली NCR में, वहाँ पर क्या करते हैं कि जी प्लॉटिंग काट रहे हैं, ना रोड बना है ना बिजली है, मतलब कोई फैसिलिटीज नहीं होती। यहाँ आप देखेंगे रोड बिल्कुल बना कर दे रहे हैं आपको और यहाँ पर जितने भी मकान बनाएंगे तुरंत आपका दिल्ली गवर्नमेंट का मीटर लगेगा और फ्री बिजली का लाभ उठा सकते हैं। तो सर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने वहाँ पर पूछा ये जो रोड है क्या यही रोड हमारा बाहर निकल रहा है मेन रोड पे? जी, ये वाला 22.5 फुट का रास्ता है जो सीधा मेन रोड के ऊपर जा रहा है, जो मेट्रो के लिए निकल जाएगा, नजफगढ़ के लिए निकल जाएगा, द्वारका मोड़, उत्तम नगर, कहीं भी आप चले जाइए। ठीक है ठीक जी। और ये जो हमारा कॉलोनी का मेन रोड है, इस कॉलोनी से जो हम इस रोड पे अभी खड़े हैं कितने फीट का रोड है ये? सर 22 फुट का रास्ता है। अच्छा, ये 22.5 फुट का रास्ता है। ओके, ये 22 फुट का रास्ता, बाकी गलियां 16 फीट की। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर आपको 22 फीट के रोड पे प्लॉट मिल जाएगा, 22.5 फीट के रोड पे प्लॉट मिल जाएगा, 16 फीट के रोड पे मिल जाएगा, जहाँ लेना चाहेंगे वहाँ प्लॉट मिल जाएगा, 1 साइड ओपन, 2 साइड ओपन, 3 साइड ओपन, जैसा प्लॉट लेना चाहेंगे वैसा भी यहाँ पर प्लॉट मिल जाएगा, जो कि ये दिल्ली गवर्नमेंट से लिस्टेड कॉलोनी में है, 1554 नंबर की कॉलोनी है। पूरा हम एड्रेस बताएं तो टिकरी कला एक्सटेंशन कबीर पार्क में है। यदि आप ऐसे प्राइम लोकेशन पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस प्लॉट को विजिट कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर हम सारी फैसिलिटीज़ जान लिए, अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है? कोई क्लाइंट यहाँ पर प्लॉट लेते हैं, यदि उनको रात में 10 बजे 11 बजे आना पड़े दिल्ली के किसी और कोने से, कैसे आ सकते हैं? कोई क्लाइंट हैं वो किसी और लोकेशन में, मान लीजिए वो करमपुरा में रहते हैं, आज़ादपुर में रहते हैं, नागलोई में रहते हैं, प्लॉट को विजिट करना चाहते हैं, यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हैं, तो वो कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? सर यहाँ पर 926 का बस स्टैंड है, यहाँ पर पूरी दिल्ली की बसें यहाँ पर आती हैं, यहाँ से नरेला से लेकर के नागलोई, करमपुरा, आज़ादपुर, उत्तम नगर,
पूरी दिल्ली में कहीं भी, यहाँ से सीधा पुरानी दिल्ली के लिए, नई दिल्ली के लिए बस की सुविधा है, मेट्रो की सुविधा है, और रात को आप 10 बजे आओ, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, आपको एनी टाइम जो है ई रिक्शा जो है मिलेगा मेट्रो से आपको इस कॉलोनी में आने के लिए। ठीक है, यहाँ जो आपको 8 से 10 रुपए लेके यहाँ पे मतलब छोड़ देगी आपको। अच्छा, मतलब कि दिल्ली के किसी भी लोकेशन में कोई रहते हैं, यहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टिकरी कलां का मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, और मात्र 1.5 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे आपको बस स्टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अड्डे की बात कर रहा हूँ, टिकरी बॉर्डर का बस अड्डा मिल जाता है, जहाँ पर दिल्ली के हर एक कोने से बसें आती हैं। मतलब कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे ये प्लॉट है। मान लीजिए हमारे व्यूवर्स ने यहाँ पर प्लॉट लिया, ठीक है जी, यहाँ पर बसावट पूरी है, फैसिलिटीज सारी हैं जी, ठीक है जी, तो यहाँ पर मकान बनाने के बाद रोजगार की तलाश में कहीं दूर ना जाना पड़े, तो क्या उसके लिए आसपास में कोई इंडस्ट्री है? सर, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पे आपको इंडस्ट्री मिल जाएगी, यहाँ से 2 से 2.5-3 किलोमीटर के रेंज में आपको कम से कम 10,000 फैक्ट्रियाँ मिलेंगी। बहादुरगढ़ का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, टीकरी कला का, मुंडका का, ये सारा सारी इंडस्ट्री बिल्कुल करीब में यहाँ पे, कम से कम यहाँ पे 10-20 हज़ार फैक्ट्रियाँ मिलेंगी आपको, जो यहाँ पे लोग अपना रोजगार मतलब कि इंडस्ट्री की बात करें तो एक इंडस्ट्री टाउनशिप है, पूरा इंडस्ट्री का हब है यहाँ पर। जी जी जी, छोटे से लेके बड़े से बड़ी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। जी जी जी। ओके, तो सर यहाँ पर हम कुछ और सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर हमारे इस प्लॉट के पास में कहीं पे गवर्नमेंट स्कूल, अच्छे स्कूल कॉलेज मौजूद हैं? जी सर, यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्कूल हैं यहाँ पर। ओके, श्रीराम ग्लोबल पब्लिक स्कूल है, बहुत ही बड़ा स्कूल है। ठीक है, इससे लगता हुआ बिल्कुल गवर्नमेंट का जो है स्कूल है, जो 12वीं तक है। ओके, राजकीय विद्यालय है जो है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे स्कूल कॉलेज कई सारे हैं। हाँ, केंद्रीय विद्यालय मिल जाएंगे आपको। अच्छा जी, केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पे। हाँ, 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी में आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली यहाँ पर। ओके, तो सर अब हम यहाँ पर बात करें, हमारे इस प्लॉट के पास में मंदिर मौजूद है? सर, हमारे जो ये साइड है वो सामने जो मेन रोड है यहाँ पर। ओके, वहाँ पर आपको 300 गज में वहाँ पर मंदिर है, फिर यहाँ जस्ट बगल में 100 मीटर पर एक शंकर जी का मंदिर है बहुत बड़ा। ठीक फिर, है, हाँ, इसके बाद फिर मतलब कि हमारे कॉलोनी के पास में ही, कॉलोनी में ही वो पूरा मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। सर, इतने प्राइम लोकेशन में आपने प्लॉट तो दिखा दिए, तो सर यहाँ पर कुछ ऐसा प्राइस बता दो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आए और यहाँ पर अपना एक आशियाना बना सकें, तो यहाँ पर क्या प्राइस है अभी? सर, यहाँ पर जहाँ पर अभी आप खड़े हैं यहाँ पर 18,000 रुपये गज का रेट है। ओके, 18,000 रुपये प्रति गज का रेट है। फिर हम जैसे जैसे मेन रोड की तरफ जाएंगे, जमीन जो है मतलब महंगी है। अच्छा अच्छा, 20,000, फिर आगे और बढ़ेंगे तो 24,000। ओके, 25,000-30,000 रुपये गज तक है मेन रोड पर जो है प्लॉट, और हमारे पास सबसे सस्ता जो है वो 14,000 से 15,000 रुपये गज में भी जमीन है। ठीक है, तो जब यहाँ पर कोई कस्टमर आएगा तो हम वो मतलब वो वाली ज़मीन भी उनको हम दिखा देंगे। मतलब कि कोई कस्टमर जो जेन्युइन कस्टमर होते हैं वो अगर लेने के मूड से आए तो आप उन्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे, यहाँ से नहीं लौटने देंगे, उनका घर जरूर जो है बसेगा। अच्छा अच्छा, मतलब उनके जो सपनों का आशियाना है वो आप बसा कर ही भेजेंगे उन्हें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको यहाँ से निराश नहीं जाने देंगे। ठीक है जी। तो साथियों, यदि आप ऐसे ही सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा प्लॉट लेना चाहते हैं दिल्ली में, दिल्ली NCR में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ मैं शैलेश प्रताप यहीं से आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।